धन्यवाद संजय जी। महाराष्ट्र आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज ने वंदन करून, भारत रत्न बाबा साहब आंबेडकर ने वंदन करून, इथे मोठी संख्या में जमलेले माझे कार्यकर्ता बंधुनो, मंच पर उपस्थित अपने सबके नेता, मुंबई भाजपा के उपाध्यक्ष और कि जिनकी आवाज और दहाड़ अब मुंबई नहीं महाराष्ट्र नहीं पूरा देश सुनता है, ऐसे माननीय श्री आशीष शैलार जी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ कि बहुत भव्य कार्यक्रम, यादगार कार्यक्रम आज उनके नेतृत्व में हुआ है। मंच पर हमारे नेता श्री रामभाव नाईक जी, हमारे सभी मंत्री, सभी आमदार, श्री गोपाल सेठी जी खासदार, किरीट सोमैया जी, सभी मंच पर जो माननीय अतिथिगण बैठे हैं सबका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज आपकी तरह मेरे जीवन में भी ये आनंद का एक प्रश्न जुड़ जाएगा। हम सब लोग मूलतः देशभक्त लोग हैं और जैसे युद्ध के अंदर कभी ढोल ढमाका बजता है तो सैनिक चाहे सो रहा होता है तो भी उठकर खड़ा हो जाता है और युद्ध की तरफ बढ़ जाता है, वैसे ही हमारा हाल है कि जब देशभक्ति की बात उठे, राष्ट्रभक्ति की बात निकले तो भाजपा के कार्यकर्ता सबसे पहले आगे जाकर खड़े हो जाते हैं। और अभी तो हमारा सौभाग्य है, यहाँ एक तरफ माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का आध्यात्मिक, हमारे भारत के ऐसे राजा जिनके नेतृत्व में केवल आज देश ही नहीं सारे विश्व के अंदर भारत का डंका बज रहा है, ऐसे नरेंद्र भाई मोदी जी, और उधर हमारे सर सेनापति माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, आशीष जी, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन आपके अलावा कोई लगा नहीं सकता था। और इन दोनों की निगाहें केवल आपके ऊपर टिकी हुई है, ये सारे हिसाब का बदला चुका कर आपके नेतृत्व में मुंबई वापस कब आप भाजपा के हाथ में दोगे? हिसाब तो बहुत कुछ चुकाने हैं और आज तक हमने जो भी कोई नारे लगाए, जो भी वो कोई बात की है, वो केवल नारों तक नहीं रह गई, सब बातें हमने पूरी की है। 50 साल से हम कहते आए हैं, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, कश्मीर वापस अपना हुआ कि नहीं हुआ? कसम राम की खाते हैं और मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर बना के नहीं बना। और ये भी साथ में हम नारा लगाते हैं कि जो हमसे टकराएगा मट्टी में मिल जाएगा। तो जिन्होंने मुंबई को बर्बाद किया उनको मट्टी में मिलाओगे कि नहीं मिलाओगे? और ये सारा काम हम सबको इकट्ठे होकर करना है। आने वाला साल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शुरुआत में ही साल के भगवान राम अपने घर में वापस जाकर विराजमान होंगे। 22 जनवरी को हम सब ने अभी से तैयारी कर ली है, पर जब भगवान राम अपने घर में जाएंगे तो राम राज्य भी भारत में वापस आएगा। वैसे राम राज्य की शुरुआत तो हो चुकी है, जब चंद्रयान पहुंच सकता है, एशिया में सबसे आगे हमारे को मेडल मिल सकते हैं, दुनिया के अंदर किसी को प्रॉब्लम हो तो अभी अमेरिका और इंग्लैंड की तरफ नहीं देखा जाता, माननीय नरेंद्र भाई मोदी की तरफ देखा जाता है। तो जब राम राज्य आएगा तो रावणों का वध भी होगा और रावणों के वध की शुरुआत मुंबई के उन रावणों से होगी जिन्होंने अपने जबान को बेलगाम कर पिछले 3 सालों से हमारे दिल के अंदर लगातार घाव किए। कभी माननीय मोदी जी के बारे में अनशन बोलते हैं, कभी अमित भाई के जी के बारे में गलत शब्द बोलते हैं, कभी माननीय देवेंद्र जी के बारे में ऊंची बातें करते हैं, वो यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, पर हम तो उनका हिसाब चुकाएंगे कि नहीं चुकाएंगे? और ब्याज के साथ हिसाब चुकाने के लिए आने वाले समय के अंदर हम सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। भारत के अंदर, मुंबई के अंदर जो कुछ समस्याएं हमारे सामने हैं, उन सारी समस्याओं के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता हूं, पर इतना जरूर आपको कहना चाहता हूं कि यदि बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को नहीं रोका गया तो वो दिन दूर नहीं जो हालत आसाम के अंदर हो गई थी, जो हालत आज नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, वो हालत अभी कश्मीर के अंदर भी थी, वो हालत ये लोग मुंबई के अंदर बनाना चाहते हैं। और ये हालत अपना आप नहीं बनती है, इस हालत के पीछे वोटों की राजनीति है, पर हमारी जिम्मेदारी है कि मुंबई, मुंबई किसकी रहेगी? मुंबई फक्त आमची रहना, मुंबई किसी की नहीं होने देंगे। जो आए हैं सबको बाहर भगाएंगे, जो भारत के हित की बात करेगा, जो देश हित की बात करेगा, जो हिंदू हित की बात करेगा, वही मुंबई में राज करेगा। मैं वक्त की मर्यादा समझते हुए
केवल इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त कर लूंगा कि आज जो कुछ भी यहाँ पर मट्टी का कलश लेकर आए हैं उन्होंने बहुत पवित्र काम किया है। आपको यदि याद होगा तो ऐसा ही माननीय मोदी जी ने जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सारे देश से लोहा मंगवाया था और जिन्हों जिन्हों ने लोहा दिया आज भी जब वो सरदार पटेल स्मारक पे उनको नमन करने को जाते हैं तो उनके मन में इस बात का आनंद होता है कि इस स्मारक के अंदर मेरे यहाँ से पूजा करके भेजा हुआ लोहा भी लगा हुआ है। इसी तरह से आपको याद हो तो 90 के दशक के अंदर हम सब ने यहाँ से ईंट पूजन कर कर अयोध्या भेजा था कि नहीं भेजा था। अब जब 22 जनवरी को जाओगे अयोध्या तो आपको इस बात का आनंद होगा कि जो भव्य मंदिर बन रहा है उसके अंदर आपके द्वारा भेजी गई ईंट की पूजा भी करके लगी थी, वो भी वहां पर लगी हुई है। इसी तरह से जो आज आप ये मट्टी के कलश भेज रहे हो, जो आपने मट्टी इकट्ठी करके भेजी है, ये मट्टी ऐसे ही नहीं समाप्त हो जाएगी। जब जाकर दिल्ली के अंदर माननीय मोदी जी की कल्पना से एक भव्य स्मारक आपकी मट्टी से खड़ा होगा तो आने वाली पीढ़ी को भी आप जब दिल्ली जाएगी तो बोल सकोगे बेटे जाओगे तो देख के आना नवा, जो मोदी जी ने स्मारक बनाया हुआ है उसमें मैंने जो कलश भेजा था उसकी मट्टी भी पड़ी हुई है। ऐसा पवित्र काम आपके हाथ से होने वाला है। मैं पुनः एक बार आप सबका अभिनंदन करते हुए माननीय आशीष सैलार जी के बहुत कणखन नेतृत्व को नमस्कार करते हुए कि आपने पूरे मुंबई के कार्यकर्ताओं में जान भर दी है, पूरे मुंबई के अंदर एक नया ज्वार खड़ा हो गया है और ये ज्वार अभी आंधी का स्वरूप लेकर सारे कलंकों को दूर करके मुंबई से सब राक्षसों का मर्दन करके मुंबई में राम राज्य की भी शुरुआत करेगा। इसी भावना के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।